प्रातः क्लास है 22 जून 1968। बच्चों का अभी पढ़ाई में ध्यान किस में जाना है? अभी अभी जो टाइम चल रहा है उस अनुसार पढ़ाई में ध्यान किस में जाना है? एम ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अभी सबका अंतिम जन्म है, इसके बाद इस कल्प में कोई भी और जन्म नहीं होने वाला है। अंतमते तो गति होने वाली है। आत्मा की जन्म जन्मांतर की गति होने वाली है। तो पूछा, अभी पढ़ाई में ध्यान किस में जाना है? एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, एम ऑब्जेक्ट है
नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी जैसा बनना, इससे ऊंचा पदमान मर्तबा तो कोई दुनिया में होता ही नहीं। एक नारायण ही ऐसा पाठ है संसार में, और देवियों में एक लक्ष्मी ही ऐसा पाठधारी है जो ऊंच से ऊंच पाठधारी है। नारायण की तो शास्त्रों में भी कोई ग्लानी नहीं है, नहीं तो मनुष्यों की तो ग्लानी की बात ही छोड़ो। 33 करोड़ देवताओं में से एक एक की ग्लानी की है। भगवान के अनेक रूप और नाम बताए हुए हैं, परंतु सब की ग्लानी की है। लेकिन नारायण की कोई ग्लानी नहीं है। तो अभी इस लास्ट जन्म में बाप आकर के तुमको ऊंच से ऊंच लक्ष्य देते हैं। इस अंतिम जीवन का ऊंचे से ऊंचा मर्तबा है नर से नारायण जैसा देवता बने। तो अभी ये सभी गुण धारण करने हैं। अगर अभी नहीं धारण किए तो कभी धारण नहीं कर सकेंगे, और कोई जन्म ये पढ़ाई का नहीं मिलेगा जहां ईश्वर आकर के खुद पढ़ाई पढ़ाता हो। अपनी जांच करनी है हमारे में ये लक्ष्मी या नारायण जैसे सभी गुण हैं, क्योंकि जो जानते हैं उनका ही ध्यान जावेगा और तुम बच्चों का ही ध्यान जाना है। दुनिया वालों का तो ध्यान नहीं जावेगा। दुनिया वालों का ध्यान जावेगा उस पढ़ाई में, मास्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उसका बाल्प काल के मर्तबे है। बाप तो आकर के ऐसा है मार्गदर्शन देते हैं जिनकी यादगार, जिनकी भव्य मूर्तियां, जिनके भव्य बड़े बड़े मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर शहर शहर में बने हुए हैं, ऐसा भव्य मंदिर यादगार और कोई का नहीं बनता। तो अभी ये है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना है और ईश्वर की पढ़ी हुई पढ़ाई ही औरों को पढ़ानी है। मनुष्यों ने जो पढ़ाया वो तो अल्पकाल के मर्तबे है, और एक जन्म की पढ़ाई पढ़ाई है। ये तो आत्माओं का बाप है, सुप्रीम सोल, जो सुप्रीम टीचर और गुरु बन करके आया हुआ है,
जन्म जन्मांतर के लिए मर्तबा देने वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो सारा मदार आत्मा का, अनेक जन्मों की प्राप्ति का पढ़ाई पर चला जाता है। अपने दिल से पूछना है कि हम ये पढ़ाई कितनी पढ़ते हैं और कितनों को पढ़ाते हैं। अभी संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है, चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितना खिला हुआ दिखाई पड़ता है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी कलाएं खत्म हो गई है। आत्मा 16 कला संपूर्ण बननी है नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। ये तो बच्चे भी समझ सकते हैं और टीचर भी समझ सकते हैं कि हम कैसी नंबर बार पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये भी जानते हो इंसान में अभी देरी है, छोटे छोटे एग्जाम तो चलते रहते हैं परंतु फाइनल एग्जाम अभी हुआ नहीं है। तो भी ये सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर एक एक बच्चे के ऊपर नजर रखते हैं। ये क्या कर रहे हैं, अल्पकाल की प्राप्ति में जा रहे हैं या जन्म जन्मांतर की जो सदाकाल की प्राप्ति कराने वाला बाप है उसके बताए हुए इशारे पर जा रहे हैं। अपनी तकदीर से कितना ऊंच पद बनाए रहे हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर बताने वाला बाप तो आया हुआ है। सभी फूलों की ओर देखते हैं क्योंकि फूल तो सभी बनने हैं ना। ये बगीचा है ऊंचे से ऊंचे बागवान का और इस बगीचे में हर एक फूल अपनी अवस्था को जानते हैं। कि हम किंग फ्लावर जैसे बन रहे हैं या क्वीन फ्लावर जैसे बन रहे हैं या कि कोई दुर्गंध छोड़ने वाले फूल बन रहे हैं, छोटे फूल बन रहे हैं या बड़ा फूल बन रहे हैं, स्वदेशी रूहे गुलाब बन रहे हैं या विदेशी गुलाब दिखाई दे रहे हैं। खुशबुओं से पता तो चलता है ना। अतीन्द्रिय सुख में जीवन हरेक को ड्रामा प्लान अनुसार भागती जाएगी। जैसे इंद्रियां नंबर वार है, इंद्रियों का सुख भी नंबर वार प्राप्त होता है परंतु इंद्रियों में बड़ी से बड़ी इंद्रिय मन मानी जाती है।
मन अगर कोई इंद्रिय का साथ न दे तो भी सुख दुख नहीं भोगा जा सकता। और इंद्रियां अगर मन का साथ न दे तो मन से सुख और दुख भोगा जा सकता है। मन जब निर्मल हो जाता है तो इंद्रियों के सुख की दरकार ही नहीं रहती। इसलिए शास्त्रों में गायन है, अतिंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी नाम ही तब पड़ता है जब गुप्त पुरुषार्थ करते हैं। पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्मा के अर्थ जो भी किया जाता है वो अपनी आत्मा का भी कल्याण करता है और सारे संसार के कल्याण के लिए भी होता है। आत्मा का कल्याण हुआ, मानो सारे संसार का कल्याण हुआ। आत्म कल्याण के लिए एक तो बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि याद करने से ही हम बाप के घर में नंबर वार रिटर्न होते हैं। जो बाप के घर में पहले पहले जावेंगे वो नई दुनिया स्वर्ग में भी पहले पहले आवेंगे। और पहले ही नंबर का मतलब आप आवेंगे, नहीं तो जिस नंबर में जावेंगे उस नंबरों का मतलब आप आवेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है और सतो प्रधान बनने के लिए तुम बच्चों को बहुत सहज उपाय बताता हूँ। क्या? तमो प्रधान का संग करेंगे तो तमो प्रधान बनेंगे। जो है ही सदैव सत्य चित्त आनंद, उधर सदाशिव का ध्यान करेंगे, याद करेंगे, संग करेंगे तो जरूर सतो प्रधान बनेंगे। तो उसे एक ऊंच से ऊंच बाप की याद की यात्रा में सदैव रहना है। याद भी कोई की तब आती है जब उसे आंख से देखा जाता है, इंद्रियों से अनुभव किया जाता है। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। याद में भी अनुभव काम आता है। तो हर एक अपने दिल से पूछे, हमारी याद का चार्ट ठीक रहता है? प्यार भरी याद आती है? और ऐसी याद के रिजल्ट में औरों को भी आप समान बनाता हूँ? क्योंकि तुम सब बच्चे नंबर वार ज्ञान बुलबुल हो। बुलबुल की आवाज कितनी मीठी होती है,
तुम्हारी ज्ञान की आवाजें तामसी आत्माओं को भी दिल खुश कर देती है। बाकी नंबर बार है, कोई बुलबुल है, कोई मैना है, कोई पैरेट है, कोई क्या है, कोई तो कौए भी है। कितनी कर्कश आवाज सुनाते हैं। और खाते भी गंद है, गंद खाने में उनको कितना मजा आता है। तुमको कबूतर नहीं बनना है, कौआ नहीं बनना है, तुमको तो शास्त्रों में जो प्रसिद्ध है शिव बाबा के मंदिर के तोते बनना है, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है। कबूतर तो मंदिर में रहते हैं, गंद ही करते रहते हैं। उनके मुख से आवाज भी नहीं निकलता, आवाज निकालना भी चाहते हैं तो भी अंदर की अंदर गुटरूं कूं करके रह जाती है। कर्म ऐसे किए हुए हैं कि ज्ञान की आवाज मुख से नहीं निकाल सकते। ये संगम युग में सब कुछ ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में चल रहा है। कोई शिव बाबा के मंदिर के कबूतर बने हैं, कोई तोते बने हैं, थोड़ा भी सुनते हैं तो चारों तरफ दुनिया में आवाज फैला देते हैं। बाप आया हुआ है, ऊंच के ऊंच बाप, धर्म पिताओं को ग्रेट फादर्स कहेंगे, परंतु उनको ऊंच से ऊंच नहीं कहेंगे। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को दुनिया की बड़ी बड़ी जनरेशन मानती है, ग्रेट फादर मानती है, परंतु गॉड फादर कोई नहीं मानता। ये तो ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो इशारा देते हैं, अपने अंदर से पूछना है, और ये अंदर अंदर पूछना बहुत सहज है। दिल में आवाज आएगा, हम कबूतर बन रहे हैं, तोते बन रहे हैं, बुलबुल बन रहे हैं, या मोर मोरनी बन रहे हैं। कहां तम हम बाबा की याद में रहकर ज्ञान का डांस करते हैं, और कहां तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं, क्योंकि संगम युग का खजाना बड़े से बड़ा खजाना है। कौन सा? खुशी। सब कुछ चला जाए, लेकिन ज्ञान में ऐसा आलमस्त हो। ये ज्ञान बाप की पढ़ाई है, खुशी न जाने पावे तो सुख की दुनिया की सूटिंग होती रहेगी।
ये दुनिया एक वर्ल्ड ड्रामा है ना, उस ड्रामा में भी चार सीन तीन सीन होते हैं, इसमें भी चार सीन है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों ही सीन में सुख की शूटिंग करना अच्छा है या थोड़ा बहुत दुख बढ़ता रहे तो भी अच्छा है। कोई नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, परंतु फिर भी बाप जो तदबीर बताए रहे हैं वो तदबीर धारण नहीं करते। सतयुग त्रेता में सुखी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन द्वापर कलयुग जो दुखों की दुनिया है, रावण राज्य है, उसमें भी सुख की शूटिंग करना कितनी अच्छी बात है। और धर्म वालों को तो आधा सुख आधा दुख मिलता है। कम जन्म लेते हैं तो भी और ज्यादा जन्म लेते हैं तो भी, परंतु तुम बच्चे बाप के बच्चे हो, सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हो, तुमको इस 84 के चक्र में पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख लुदा हुआ है। कोई कोई ऐसे बच्चे भी है जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं, तो कितने भाग्यशाली बच्चे होंगे। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चों का संग करना चाहिए, पालो करना चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है ना, कच्चा देवता बनना है या पक्का देवता बनना है? कच्चे देवता बनेंगे तो सतयुग त्रेता में भी कम जन्म होंगे और द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे। जिनके लिए गीता में भी कहा है स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में कन्वर्ट होने से जन्म जन्मांतर भय और दुख की प्राप्ति होती रहती है। दूसरे धर्म की आत्माएं दास दासी बना करके रखेंगी। नारायण के राज्य में तो प्रजा भी ऐसे रहती है जैसे राजा के परिवार के बच्चे होते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। तो मनुष्य मैं ऊंची से ऊंची जाति कौन सी है? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में भी नंबर वार ब्राह्मण बनते हैं, 9 पुरियों के ब्राह्मण गाए जाते हैं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरी का ब्राह्मण बनना है ताकि हम ऊंचे से ऊंचे देवता बने। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, वो मनुष्य मन चलाने वाले होते हैं, मन चले होते हैं, उनका मन पूरा कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। मनु अर्थात मनुआ,
जो बाप आते हैं तो तीन मूर्तियों के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। उनमें एक मूर्ति मनु भी है, जिसका मन बहुत चलायमान होता है। त्रिमूर्ति में उसको मन रूपी घोड़ा कहा गया है। और एक मूर्ति शेर बताई गई है। शेर भी दो प्रकार के होते हैं, एक बब्बर शेर होता है और एक चुस्त और चालाक होता है, टाइगर या बाघ कहा जाता है। तो शेर भी बुद्धू बनना अच्छा है या चुस्त और चालाक बनना अच्छा है? बुद्धू पढ़ाई कैसे पड़ेगा? चुस्त बुद्धि होगा तो अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, और अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ाने वाला तो एक ऊंच से ऊंच बाप ही है। जो मन चले मनुष्यों को अमन बनाता है, मन के ऊपर फुल कंट्रोल करने वाला बना देता है, देवता बनाता है। देवताओं का मन चलायमान नहीं होता। बाकी मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों देखने में तो मनुष्य ही आते हैं ना, क्योंकि दोनों का मन चलायमान होता है। फिर तो मनुष्य ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ के ब्रह्मा के बच्चे बनते हो। ब्राह्मण, ब्राह्मणों को कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानता है, इसलिए उनको मुखवंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। क्योंकि मुख से निकली हुई बातों को वजूद देते हैं। बाकी कोई ऐसे भी ब्राह्मण है जो ब्रह्मा की बातों को तो नहीं मानते लेकिन गोद को बहुत प्यार करते हैं। ब्रह्मा का चेहरा उनको बहुत याद आवेगा, देह बहुत याद आवेगी, तो वो कुकवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं। मुख श्रेष्ठ होता है, कुकवंशावली ब्राह्मण बनने वाले और धर्मों में कन्वर्ट होते रहेंगे। जब अद्वैतवादी द्वापर युग शुरू होगा और जो मुखवंशावली ब्राह्मण होते हैं वो और कोई की बातों में आने वाले नहीं हो सकते। कोई से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि औरों से जो प्रभावित होता है वो उनकी प्रजा बनता है। प्रभावित ही होना है तो एक ऊंच से ऊंच बाप से प्रभावित होना है, तो जरूर ऊंच से ऊंचे देवता बनेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, बाप को तुम बच्चों के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है,
इसलिए तुमको उठाया है। कहते हैं कि तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी दुनिया में देवता बनने वाला नहीं है। यहाँ तुम आते ही हो दैवी घराने का मालिक बनने के लिए, दैवी घराने के भांति बनते हो। तो वहां भी तुम दैवी घराने के भांति बनेंगे। तुम पहले पहले बाप के घराने के भांति बनते हो। बाप के घराना ऊंच से ऊंच घराना है, उस घराने के जो भांति बनते हैं उनमें कोई भी राग द्वेष आदि नहीं होता है। ऐसे दैवी घराने के तुम मालिक बनते हो। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जिस सारी दुनिया को ही कहा जाता है दैवी परिवार। अभी तुम बच्चे जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पढ़ाई भी कायदे अनुसार पढ़नी है। ऊंच से ऊंच बाप की पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना चाहिए। भले बीमार भी हो जावे, 106 डिग्री बुखार भी चढ़ जावे, तो भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है। तो टीचर का कितना प्यार रहेगा। ये बच्चा टीचर की पढ़ाई को कितना महत्व देता है। सदैव शिव बाबा याद रहे, बाप के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में। और याद करने में तो मुख चलाने की भी बात नहीं है, आत्मा सिर्फ जानती है, बुद्धि में धारण करती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। और बाबा हमको ले जाने के लिए आए हैं। सदैव बुद्धि में याद रहना चाहिए। इस दुख की अशांति की दुनिया से छोड़ा करके शांति और सुखधाम की दुनिया में भेज देते हैं। इस सुखधाम और शांति धाम को याद करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। भले कहां भी पड़े हुए हो, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भी पड़े हुए हो, परंतु बाप की याद में हो, बुद्धि में सदैव रहे, बाप हमको सुखधाम और शांति धाम ले जाने के लिए आए हैं। उस सुखधाम से प्रीत हट जानी चाहिए। तुम अब शांति धाम में जाने वाले हो। कितना सहज बातें बताते, बहुत है
जो इन सहज बातों की भी बहुत धारणा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इन बातों को भी छोड़ दो, तुम याद में तो रहो। याद में रहेंगे तो अच्छी याद करने वालों में अंत में सारी धारणाएं स्वतः ही आ जाएंगी। बाप जानते हैं कि यहाँ तो ये सभी बच्चे बैठे हैं, बल सभी नंबरवार हैं। हाँ, इतना जरूर है कि शिव बाबा को कम अथवा जास्ती याद जरूर करते हैं और सबकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हमको और संग तोड़ एक संग जोड़ करके रखना है। ऐसी पक्की धारणा अगर हो जावे तो और कोई की याद नहीं रहेगी। परंतु इस बात में ही पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो बच्चों को मेहनत करनी है कि अंदर में सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे। कहां घूमने फिरने जाते हो तो भी अंदर में बाप की याद रहे, बुद्धि में रहे, ये दुनिया तो भस्म होने वाली है, ये देह के संबंध, ये देह के पदार्थ, ये सब भस्मीभूत होने वाले हैं। ऐसा समझने में मुख चलाने की बात नहीं रहती है, अति सहज पढ़ाई है। पढ़ाई पढ़ा करके तुम बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। जैसे बाप सदा शिव है, उसकी बिंदी की बिंदी का ही नाम शिव है, तुम बच्चों को भी ऐसी बिंदी निराकारी स्टेज वाला बनाई देती है कि तुम 2500 वर्ष आत्मिक स्थिति में रहने वाला बन जावेंगे, सही स्थिति में रहने वाला बन जावेंगे। जितना जितना निराकारी बनेंगे उतना निर्विकारी और निरहंकारी तो आप ही बन जावेंगे। ऐसी अवस्था में तुम बच्चों को जाना है। इस दुनिया के रंगमंच पर तुम जिस अवस्था में आए थे बाप के घर से, उसी अवस्था में तुमको जाना है। तो जानते हो कि सतोप्रधान अवस्था सतयुग में होती है। ये बात समझने और समझाने की कितनी सहज है। तो घर का काम काज करते चलते फिरते अपन को फूल बनाना है, घड़ी घड़ी जांच करनी है हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हीरे का दृष्टांत तो बहुत अच्छा है अपनी जांच करने के लिए। जांच करने के लिए तुमको तीसरी आंख मिली हुई है, मैग्नीफाई ग्लास।
तो तुम अपनी जांच अपने आप कर सकते हो। देखना है, मेरे में रिंचक मात्र भी देह अभिमान तो नहीं है। देही अभिमानी बनने से ही अवस्था पवित्र बन जाएगी। भले इस समय सभी पुरुषार्थी हैं, परंतु तुम सब पुरुषार्थियों के सामने अहम ऑब्जेक्ट खड़ी रहती है। इसलिए बताया कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जावेंगे और अंत मते सुगते हो जावेगी। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते आए हो, बाबा आप जब आवेंगे तो हम आपके सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप कल्प कल्प के अंत में आता है। अभी भी तो बाबा आ गया है ना, तो तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुम ऐसे ही गाते आए हो कि आप आवेंगे तो आप पर हम बारी जावेंगे। अभी तो प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया। अभी मैं सन्मुख आया हुआ हूँ तो औरों के संग बुद्धि का योग तोड़ना है। भल ग्रह से व्यवहार में रहो, परंतु इसमें भी पवित्रता की मुख्य बात है। कमल फूल समान पवित्र रहना है। भल कमल कीचड़ में रहता है, परंतु कीचड़ से बाहर निकाला और एक सेकंड में देखने में आता है कि कीचड़ का एक बूंद भी उस पर स्थाई नहीं रह पाता। तो कमल फूल का दृष्टांत इस बात का दिया जाता है। कमल का फूल तालाब में रहता है, नारायण को भी क्षीर सागर में दिखाया जाता है ना। ये क्षीर सागर कोई सतयुग की बात नहीं है, तालाब में बॉटम में कीचड़ ही कीचड़ होता है। तुमको भी क्षीर सागर चाहिए, नारायण जैसा बनना है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी उससे न्यारी अवस्था बनी रहे। जो गायन है, सौ बगुलों के बीच में हंस अपनी मस्ती में बना रहे। बगुलों की बकबक का कोई भी असर न पड़े। फालतू बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालते रहो। ओम।